हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारी इस डॉक्यूमेंट्री में। आज हम बात करेंगे बहुत ही गंभीर मुद्दे पर, जो न सिर्फ हमारे भारत देश बल्कि पूरे दुनिया का एक गंभीर समस्या बन चुका है। हम बात कर रहे हैं एयर पॉल्यूशन की। खासकर भारत जैसे देश में एयर पॉल्यूशन ने खतरनाक रूप धारण कर लिया है। तो चलिए जानते हैं एयर पॉल्यूशन के कारण, इससे क्या प्रभाव होते हैं और इससे कैसे निपटा जा सकता है। साथ ही साथ जानेंगे गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में और कोर्ट ऑर्डर। सबसे पहले जान लेते हैं क्या होता है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन तब होता है जब एयर में कुछ हार्मफुल सब्सटेंस या फिर कुछ नशीले पदार्थ आकर के मिल जाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और नैनो पार्टिकल्स, जिससे हमारी एयर की क्वालिटी खराब हो जाती है और हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। साथ ही साथ हमारी आंखों में जलन भी हो सकती है। वैसे तो ये नेचुरल भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश ये जो है ह्यूमन एक्टिविटी के कारण होता है। नेचुरली कैसे होते हैं? जब कभी वन में आग लगने की वजह से या कोई ब्लास्ट की वजह से या फिर वोल्केनो की वजह से भी हो सकता है, लेकिन ये अधिकांश ह्यूमन एक्टिविटी के कारण होता है। भारत में एयर पॉल्यूशन एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। 2019 में किए गए एक स्टडी के अकॉर्डिंग विश्व के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में से 21 शहर भारत में स्थित हैं। भारत के 140 मिलियन लोग इसी हवा में सांस ले रहे हैं, जहरीली है। ये समस्या दिल्ली जैसे महानगरों में और लेवल 999 या 999 से भी अधिक हो जाता है। नंबर जितना बड़ा या उतनी ही ज्यादा खतरनाक या फिर नशीली। पहले जान लेते हैं क्या होता है ये QI, वायु गुणवत्ता सूचकांक। एयर पॉल्यूशन को नापने के लिए काम में लाया जाता है। एयर पॉल्यूशन को कई तरीके से मापा जा सकता है, जैसे कि टेक्निक के थ्रू या फिर सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू। इसमें नापते समय PM2.5 और PM10 का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है पॉल्यूशन के प्रमुख कारण क्या है? जी हाँ, भारत में एयर पॉल्यूशन के मुख्य कारणों में डस्ट एंड कंस्ट्रक्शन, वेस्ट बर्निंग ट्रांसपोर्ट और डीजल जनरेटर इंडस्ट्रीज एंड डोमेस्टिक कुकिंग शामिल हैं। इसके साथ ही साथ ट्रैफिक जाम भी एयर पॉल्यूशन के लिए काफी बड़ा कारण है। जब ट्रैफिक जाम में व्हीकल स्लो स्पीड से चलते हैं तो वे नॉर्मल गति की तुलना में 4 से अधिक ज्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं। और रोड पर डस्ट का होना भी अपने आप में पॉल्यूशन का एक कारण है। कभी कभी आपने देखा होगा जब ट्रैफिक काफी स्पीड से चलता है तो डस्ट जो है वो हवा में जाकर के मिल जाती है। एयर पोल्यूशन का इम्पैक्ट ना कि केवल हमारे हेल्थ पे बल्कि हमारे देश की इकोनॉमी पे भी पड़ता है। भारत जहां अधिकांश युवा आबादी है, एयर पोल्यूशन के कारण बीमारियों के बढ़ने से हमारी कार्य क्षमता में भी कमी आती है। इसके चलते देश का प्रोडक्शन और देश के इकोनॉमी पे भी काफी बड़ा असर पड़ता है। दिल्ली जो भारत देश की राजधानी है, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। आखिर दिल्ली में ये समस्या इतनी बड़ी क्यों बन गई और कौन है इसका जिम्मेदार? दिल्ली में बड़ी संख्या में व्हीकल्स का होना, कंस्ट्रक्शन, दिल्ली स्टेट के नेबर्स स्टेट में पराली का जलाना और दिल्ली का जियोग्राफिकल लोकेशन भी इसके लिए जिम्मेदार है। जब दिल्ली का पोल्यूशन अपने पीक पर होता है तो फिर पॉलिटिकल बहस का मुद्दा बन जाता है। सेंट्रल स्टेट को ब्लेम करता है और स्टेट सेंट्रल को ब्लेम करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर कई बार चिंता जताई है और कड़े निर्देश दिए हैं। टाइम टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और उसके पड़ोसी राज्यों को एयर क्वालिटी सुधारने के लिए इमीडिएट कदम उठाने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि लोग मर रहे हैं और आप बहाने बना रहे हैं, बावजूद इसके स्थिति में कोई खास सुधार नहीं है। हालांकि दिल्ली सरकार ने ऑडिबन जैसी स्कीम्स लागू की, लेकिन इसका प्रभाव सीमित ही रहा। केंद्र सरकार ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की घोषणा की, लेकिन जमीनी स्तर पर इसके परिणाम दिखाई नहीं दे रहे। योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में हो रही देरी इस समस्या को और भी जटिल बना देती है। एयर पॉल्यूशन का हमारी हेल्थ पर काफी गहरा प्रभाव पड़ता है, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों में अस्थमा, कोविड और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, एयर पॉल्यूशन की वजह से कैंसर जैसी बीमारियां भी जन्म ले लेती हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एयर पॉल्यूशन के कारण हर साल लाखों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ये दर्शाता है कि इस समस्या को हमें हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तो आखिर इस समस्या का समाधान क्या है? सबसे पहले हमें अपने ट्रांसपोर्टेशन के तरीके को चेंज करना होगा। ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना होगा और जहां तक हो सके साइकिल चलाना या फिर पैदल चलना भी हमारे एनवायरमेंट को काफी हद तक सेफ रख सकता है। इसके साथ ही सरकार को भी कई बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण को नियंत्रण करना, शहर टू शहर कनेक्टिविटी, प्रमोट एंड सब्सिडाइज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डस्ट फ्री रोड, किसानों को पराली जलाने के विकल्प उपलब्ध कराना। लेकिन सिर्फ सरकार के प्रयास काफी नहीं है, हमें भी इस दिशा में सोचना होगा और छोटे छोटे कदम उठाने होंगे, जैसे कि कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करना, अपने आसपास के एनवायरमेंट में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना और एनर्जी को सेव करना। अगर हम अभी भी नहीं जागे तो एयर पॉल्यूशन का इम्पैक्ट हमारी आने वाली जनरेशन पर और भी ज्यादा खतरनाक हो
सकता है। लगातार बढ़ते तापमान और ग्लेशियर के पिघलने से रिवर्स का फ्लो भी इम्पैक्ट होगा। इसके साथ एयर पॉल्यूशन से बच्चों में अस्थमा, कोल्ड और फेफड़ों की बीमारियां भी बढ़ सकती हैं, जो आने वाले समय में हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे मेडिकल सिस्टम पर काफी बड़ा बोझ बन सकती है। दोस्तों, यही समय है जब हम सबको मिलकर इस समस्या का समाधान खोजना होगा। अगर आज हमने कदम नहीं उठाए तो कल बहुत देरी हो जाएगी। इस डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य आपको जागरूक करना और ये संदेश देना है कि हमारी छोटी छोटी कोशिशें मिलकर इस दुनिया को रहने लायक बना सकती हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।